Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, our topic is solenoid. What do you mean by solenoid? Okay. Solenoid. Okay. Solenoid is a coil having many number of ampere turns, in which insulated copper wires are wrapped closely on a cylindrical shape, right? Okay. Now, this one is cylindrical shape. On this cylindrical shape, there are many number of ampere turns. Insulated current carrying copper wire are wrapped very closely on a cylindrical shape. Insulated current carrying wire. Okay, this one is called solenoid, on which current I is flowing here. A cylindrical shape on which current I is flowing in that copper wire is insulated copper wire. मतलब उस copper wire के ऊपर insulation है और बहुत closely एक दूसरे के बिल्कुल close. पूरे ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न इस पे रखे हुए हैं. क्लियर? ओके. तो इस शेप को हम लोग सोलेनाइड बोलते हैं, राइट? इस सोलेनाइड के इस जो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स है, इनकी वजह से एक इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो ये तो हमारा शेप हो गया सोलेनाइड, राइट? इस टाइप के शेप को हम लोग सोलेनाइड बोलते हैं, एक बार मैग्नेट टाइप का, राइट? ओके. नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, राइट? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड. तो सोलेनाइड इज अ सिलिंड्रिकल शेप ऑन विच देर आर मैनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर रैप्ड वेरी क्लोजली टू इच अदर. सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड सोलेनाइड, राइट? ओके. Now, next, solenoid हो गया. Okay, now, magnetic field due to solenoid. Okay, first of all, inside, solenoid की वजह से magnetic field inside होती है. Outside, magnetic field zero होती है. So, inside magnetic field जो होती है, उसी, मान लो ये P point है, P point पर magnetic field. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे है? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लॉक रूल बताया था. क्लॉक रूल में क्या था कि अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज जा रही है, करंट क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो वो पोल साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा. क्लॉक रूल हमने ये बताया था आपको, राइट? तो देखो, इधर से देखने पर करंट का ओरिएंटेशन ये है, मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, और ये हमारा, इधर से जब आप देखेंगे तो इधर से हमारा क्लॉकवाइज करंट का ओरिएंटेशन है, तो ये हमारा साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है. ये हमारा साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी. इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, inside south to north, outside north to south. कुछ ऐसे हमारी magnetic lines आएंगी, और वो magnetic lines यहाँ पे भी ऐसे कुछ इस तरीके से बनेंगी, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके बनेगी. ये हमारा एक complete shape solenoid हो गया. ओके, यहाँ पे भी देख लो ऐसे कुछ number of lines जाएंगी ऐसे, यहाँ पे भी देख लो कुछ ऐसे number of lines ऐसे ऐसे. Inside magnetic south to north, outside north to south, outside north to south, ऐसे, outside north to south, north to south, इस तरीके से, ठीक है? Okay, कुछ इस तरीके से. Okay, now यहाँ पे इन हो रही lines in हो रही, मतलब ये हमारी magnetic lines की direction ये होगी, और यहाँ से out हो रही है, ये out हो रही lines, दूर जा रही, तो ये हमारा ये कुछ शेप होगा, हमारा solenoid होगा, उसकी वजह से magnetic field का शेप ये होगा. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनाइड। बेसिकली ये सॉलिनाइड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है। किसी सिलिंड्रिकल शेप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बतानी तो ये सॉलिनाइड होता है, राइट? कैसे? देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई होता है, वेयर म्यू नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि वो मीडियम की प्रॉपर्टी, वैक्यूम है, अगर उसके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब म्यू नॉट मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कुछ मटेरियल होता तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती, राइट? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और अमाउंट बढ़ जाता। हम लोग अभी मटेरियल नहीं ले रहे, हम लोग बोल रहे इसके अंदर फ्री स्पेस है, राइट? स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी एक मैग्नेटिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन बेसिकली कैपिटल एन अपॉन एल है, अगर इसकी लेंथ एल है तो कैपिटल एन अपॉन एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये है स्मॉल एन। और आई क्या है, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, ओके दिस वन। तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो कि फिक्स होती है 4π × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू होती है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट, कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ में है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और स्मॉल आई करंट, करंट जितनी ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे पर यूनिट लेंथ में उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी उस वाले सोलेनाइड की वजह से। ये हमारा इनसाइड सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है पर यूनिट लेंथ में, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एक बात और, एक चीज और पे डिपेंड करती है, करंट पे, राइट? मीडियम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्री स्पेस ले रहे हैं तो उसके लिए फिक्स होता है, राइट? तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड डिपेंड्स ऑन, पहली बात नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरी बात मेनली करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, ओके? आई होप आपको सोलेनाइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है इनसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो कंसीडर की जाती है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ होती है सोलेनाइड के अंदर। तो अगर हमें कहीं पे ऐसी जरूरत है, बार मैग्नेट भी ऐसे ही तो है, बार मैग्नेट भी अगर हमें कहीं पे कंट्रोल्ड वे में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो हम लोग यही सोलेनाइड बनाते हैं एक बार मैग्नेट जैसा, कि हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं करंट के थ्रू। करंट बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट कम कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्लियर है ना? ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।